आपने क्या किया? जी मैं काम से आ रहा था, वो कोरिंगी डायल नंबर पे बैठा हुआ था ना, मेरे पुलिस वाले ने उठा लिया कोरिंगी चार में। फिर मेरे पास से एक मोबाइल निकला, 5,500 रुपए निकला। फिर मेरे को बंद कर दिया, बोला तेरा डी कैसे तेरा, ऐसा बोल के मेरे को जेल में डाल दिया। मतलब तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, पैसे कहाँ से आए थे 5,500? मेरा पेमेंट था, लूम का काम करता हूँ, खड्डी स्टाफ कोरिंग। किस चीज़ का पेमेंट था? लूम चलाता हूँ मैं। लूम में तुम मजदूरी करते हो, तुम्हें 5,500 रुपये क्यों दे दिए? नहीं नहीं, मेरा पेमेंट था वो। किस चीज़ का? लूम मजदूरी का मेरा 5,500 रुपये। ये ऐसी मजदूरी पे इन सबको लगा दो ना। महीने पे है ना? और मोबाइल, महीने की तनख्वाह थी तुम्हारी? जी। और अपना मोबाइल था? जी। झूठा केस डाला है तुम पे? जी। मेरे अंदर से कुछ बरामद नहीं हुआ, सिर्फ मेरा अपना मोबाइल था डब्बा पे, पैसा वो सेट का था, मेरे को पेमेंट दिया। मैं सिर्फ हड़ताल था उस दिन 8 तारीख को, 7वां महीना। फिर मैं पैदल आ रहा था ना, मेरे को पकड़ लिया। अच्छा, केस क्या बनाया? थेरेडी पिस्टल रखा। जी, तो क्या केस बनाया? पिस्टल का, थेरेडी पिस्टल का। वो जज के आगे पेश भी नहीं किया। डकैती का बनाया फिर? जी नहीं, सिर्फ थेरेडी डाली। तो कोई समझ में नहीं आती। जी मैडम, हम नान खरीदने गए थे ना, इधर रोड का साइड में होटल है, हम उधर नान खरीदे, होटल से जैसे निकला अचानक फायरिंग हो रहा था, फायर मेरे को भी लगा, मैं वहाँ से भाग गया ना। फायर लगा तुमको? ये लो बेटा, मैं वहाँ से भाग गया। हाँ, केस क्या डाला तुम पे? मेरा पुलिस मुकाबला। पुलिस पे फायरिंग की है? फायर मार कुछ भी नहीं किया ना, कुछ बरामद हुआ है, ऐसे ही मेरे को अस्पताल से फिर उठाया मैडम। पुलिस की तरफ से बुलेट लगी है यहाँ पे, लग के फिर बाहर निकल। नहीं तो पुलिस इसको चेस कर रही थी या ये पुलिस पे फायरिंग कर रहा था? ये बकौल इसके कि ये वो मेरे पे डाला गया है, तो ये भाग रहा था वहाँ से, तो पिस्तौल निकली है इसके भीतर। मेरे से कुछ भी नहीं निकले मैडम, बेगुनाह लाए। 16 महीने से तारीखों पर जा रहा हूँ, ना पेश कर रहे ना कुछ और कर रहे, बस ऐसे ही जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ना केस चला रहे ना कुछ हो रहे। मैडम जी, मैं तो रेडी 393 केस में आया हूँ। डकैती में? डकैती की है? नहीं की नहीं, मामू ने बंद करवाया मकान के चक्कर में, मारो मकान कब्जे करने चाहिए। इधर आ जाओ। वालिद फोत हो गया है, वालदा है घर पे, बड़ा मैं हूँ, बड़ा भाई है दूसरा, हैरान में, तो मैं असला लेके गया था उसको। तो बेटा तुम पे केस क्या डाला? उसने केस मेरे पे 393 डाला, यानी कि डकैती और वारदात पिस्टल के साथ। जी, ये मामू ने FIR कटवा के बंद करवाया। जो क्यों मामू तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा? तुम कुछ तो गलत काम कर, देखो गलत काम किया है तो जल्दी माफ़ी होगी, अगर गलत काम करके छुपाओगे तो बार बार तुमसे ये काम करवाया जाएगा। किया नहीं, वो मामू ने बंद करवाया खैर बाद में, वो मकान हमारा बेचने चाह रहा था, हम बेचने नहीं जा रहे, हमें बंद करवा के हमारे वाले लोग कमज़ोर करवा के मकान बेचने चाह रहे थे, ये अकेली हो जाएगी, वो मकान बेच दूँ। तो वालदा आती है मिलने? वालदा तो 2.5 महीने हो गए मुलाकात नहीं आती। ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो घर वाले खानदानी झगड़ों में बंद करा देते हैं। हाँ, जायदाद का झगड़ा है ये, इनकी वालदा का इसके मामू से भाई से झगड़ा होगा, उसने इसको बंद करा दिया होगा। तो इसका, इस किस्म के बच्चों का केस कैसे फिर? केस अदालत में ही चलेगा, अदालत में ही साबित करें। कह रहा है 2.5 महीने से? और 2.5 महीने से वकील है तुम्हारा? वकील है नहीं, वकील परसों किया है मैंने, 2 महीने से मेरा वकील नहीं था, परसों मैंने वकील के नासिर जज साहब के वकील है। वो जो मैंने आपको बताया था, केस भी नहीं चल रहा है, पेशी भी नहीं हो रही है, तारीख पे आते जाते। अमूमन इस तरह के केसों में कितना टाइम लग जाता है? क्या केस है तुम्हारा? अच्छा, ये डकैती का केस है, इसमें साल तक लग जाता है। अच्छा, एक साल तक 300। अगर प्रूव हो जाए तो? प्रूव हो जाए तो सजा भी हो सकती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, डकैती का केस है। अच्छा, और अनलाइसेंस वेपन भी है इसके पास? अनलाइसेंस वेपन भी निकला है? हाँ निकला है, इनके प्लांटेड है या निकला है? बहरहाल इसके पास अब ये तो वगैरह नहीं निकला, लेकिन ये कह रहा है कि पुलिस ने लगाया है मेरे ऊपर, ये तो यही बता रहा है। तो लगाया है ना तुम पे? आप कुछ बोलना चाहते हो? मैडम मैं ग्रीक गया हुआ था यूरोप, तो वहाँ से मैं जो है ना, एक कहाँ गए हुए थे? ग्रीक गया था। जी ग्रीस, ग्रीस। जी जी, वहाँ से जो है एक साल बाद मैं आया हूँ, मैं वहाँ पे काम वाम नहीं मिल रहा था, मेरा वालिद साहब टीवी का मरीज है, वालदा भी बीमार रहती है, तो मैं उनके लिए गया था, मैंने कहा उनका इलाज करवाऊंगा वहाँ पे कुछ कम। आप ग्रीस गए कैसे पहुँचे? इलीगल गए होगे? जी नहीं, इलीगल गया था कॉन्ट्रैक्ट पे, 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे गया था।
अच्छा, फिर क्या हुआ, यहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ पे जाके जो काम किया था, 6 महीने बाद हमारा एजेंट जो है हमारे पैसे लेके और पासपोर्ट पता नहीं कहाँ फेंक दिया और पैसे लेके वो चला गया बंगाल। तो इसके बाद जो है वहाँ पे हम 2 महीने तक रुलते रहे। इसके बाद जो है ना अपना पाकिस्तान से फिर पैसे मंगाए, पासपोर्ट बनाया और उसने पैदाइशी कार्ड मंगाया, उससे जो है ना वापसी आए तो कराची एयरपोर्ट में FIA वालों ने पकड़ ली, पकड़ गए जाली पासपोर्ट। गलत गए थे तो जाहिर है वहाँ पर इलीगल गए थे ना, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप नहीं गए थे, लीगल गया था। नहीं, अगर आप लीगल गए होते, वीजे पे गए होते तो यहाँ आपको कैसे गिरफ्तार करते? हमारा वीजा से जो पासपोर्ट, कोई बात नहीं, लेकिन वीजा और पासपोर्ट का रिकॉर्ड तो होता है, यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी दूसरा पासपोर्ट इशू कर देती है 7 दिन के अंदर अंदर। वहाँ से वहाँ पर पासपोर्ट इशू किया, उसी पर ये आया था, तो जाहिर है वहाँ पर उनके पास तो ऐसा कोई नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, तो जाहिर है ये इलीगली आया। ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, ये भी बड़ा अजाब है। ये मैं आपको बता दूँ, उन लोगों के लिए ये एक मिसाल है, वो लड़के जो जल्दी में बैरून मुल्क अपने मुल्क को छोड़ के दहशतगर्दी हो, बुरा हो, करप्शन हो, जो भी हो, मुल्क ये हमारा ही है बहरहाल, यहाँ से निकलने की जल्दबाजी में यूरोप का, लंदन का, UK का वीज़ा लगाने के चक्रों में इन गलत कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ लाखों रुपए भी डुबोए, इलीगल भी हुए, डिपोर्ट भी हुए और वापस जेल भी पहुंचे। ये जो एक चीज है ना मौशरे में, इसके ऊपर भी हमें कुछ करना होगा, इसको भी बंद करना होगा। आप कुछ कहना चाहते हो? मैडम, मेरा से 20 ग्राम चरस निकली थी, 1 किलो 20 ग्राम चरस लगा है। 1 किलो 20 ग्राम ज्यादा कह रहा है, 20 निकली थी, 1 किलो 20 ग्राम लिख दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? कितना भत्ता मांगते थे? 10,000 रुपए एक हफ्ते का। तो फिर उनके माल खाने से ही माल उठाते थे, फिर कहाँ से उठाते थे? बेचने वाला है, पीने वाला नहीं। बेचने वाले हो तुम? अच्छा, 20 ग्राम बेच के तुम्हें क्या मिलता? पैसे मिलते हैं। कितने? 500 रुपए और 1 किलो 20 ग्राम माल होता है, उनके पैसे जमा कराते। 1 किलो 20 ग्राम 1 किलो 20 ग्राम वो 5,000 रुपए का एक पैकेट है। तो तुम्हारे पास थी, बेच रहे थे? 3 या 20 ग्राम थी, वो बकाया उन लोगों ने 1 किलो ज्यादा लगाया। जाहिर उनको पता था कि ये बेचने वाला है, उस वक्त ट्रैफिकर है, उसके पास उस वक्त कम होगी इसके पास, लेकिन ये बेचने वाला है, ये तो ज्यादा भी रख सकता है ना, जब इतनी 20 ग्राम ये खुद एडमिट कर रहा है, बेच रहा हूँ तो ये ज्यादा भी रखता होगा, इसलिए पुलिस को जब हाथ आ गया, ये पुलिस से छुपता रहता होगा, जब पुलिस को हाथ आ गया। आपकी उम्र क्या है? 18 साल 18 साल में आप ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो, यानी कि चरस बेच रहे हो, क्यों? बस मार्शे की वजह से, मुआशरे की वजह से। हाँ, मुआशरे ने क्या किया, क्या जुल्म ढा दिया मुआशरे ने तुम पे? हर कोई टोक दे रहा था, हम लोग फिर उसको बोल देते बस यही काम करते हैं, दोस्त यार ऐसे मिल गए। सब कुछ दोस्त यारों पे ना डालो ना, ये भी गलत बात है। ये तो हर बंदा देखने वाला कल को आएगा, कहेगा दोस्त गलत दोस्तों में बैठो ही क्यों? तुम्हें गलत सही की पहचान नहीं है? तुम शऊर रखते हो? 18 साल 16 साल 17 साल इतनी भी छोटी उम्र नहीं होती, बालिग हो तुम। 18 से ऊपर हो गए तो सेंट्रल जेल मुंतकिल हो जाओगे। तो क्यों, क्या वजह क्या है? कोई और कारोबार नहीं मिला? अल्लाह ने हाथ पांव सब कुछ दिए, नौकरी नहीं मिली? मैडम काम किया मैंने, खराद मशीन का उधर काम नहीं, उन लोगों ने निकाल दिया, फिर क्या काम करेंगे? फिर कोई काम नहीं मिला तो चरस बेचना शुरू कर दी। पछता रहे हो या फिर यही करोगे? पछता रहे। आपने देखा होगा कि जुवेनाइल जेल में जो बच्चे थे, वो बच्चे भी मैं क्या कहूँगी, जवान ही हैं वो लड़के, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैं बच्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी तो देखने वाले बच्चे क्या सोचेंगे। बहरहाल ये जगह रहने की या आने की नहीं है, बुरी सोहबत ज़िंदगी में शॉर्टकट। और जैसे सुपरिटेंडेंट साहब और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट साहब ने भी कहा कि हर बुराई का जड़ नशे से शुरू होता है, नशा बेचना करना, गलत लोगों की बातों में आना, गलत दोस्तों के साथ बैठना, उसका अंजाम यही है। और ये अंजाम खुदा ना खास्ता बढ़ भी सकता है, एक दफ़ा छूट जाएंगे, दो दफ़ा छूट जाएंगे, तीसरी दफ़ा, लेकिन जैसे मैंने कहा, एंड का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा बुरा ही होता है। बड़ी वारदात हो सकती है, बड़ी डकैती में पकड़े जा सकते हैं, आपको गोली लग सकती है, आपसे किसी को गोली लग सकती है। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुआशरे में बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत है। यहाँ जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। सुपरिटेंडेंट साहब ने, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट साहब ने हमारी बहुत मदद की, और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों के जो लोग हैं
उन्होंने यहाँ भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस की और खाली हाथ नहीं आए, बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और चीज़ें लेके आए हैं, खाना भी लेके आए हैं। और आईजी सिंह साहब ने ये सारा का सारा सुपरवाइज करवाया है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम। और उसके साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फेसबुक पर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, लेकिन सोचिए मुआशरे में अच्छाई पैदा करने के रास्ते ढूंढने हैं, बुराई को उजागर करके उसे अच्छाई की तरफ राग़िब करना है। जब यही लोग बाहर निकलेंगे तो ये फिर मुआशरे में क्या काम करेंगे, क्या या उसी की तरफ जाएंगे, उसे ज़्यादा बढ़ाएंगे या फिर ये ठीक हो जाएंगे। इसी नोट पर इख्तिताम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।